ना ही, तो इसमें चिंता की बात नहीं। ठीक है। मैथिली पांडे जी सीतापुर से। राधा वल्लभ श्री गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गिरिराज जी की परिकर्मा की महिमा व महत्व जानने की इच्छा है, और परिकर्मा करते समय कौन से नियम पालन करें जिससे परिकर्मा में कोई त्रुटि ना हो। गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वपु है। भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा रुकवा करके गिरिराज महाराज की पूजन वृत्ति ब्रजवासियों में प्रकट की, और स्वयं गिरिराज स्वरूप में प्रकट होकर कहा, मैं गिरिराज हूँ और भोग आरोगा। और उसी समय भगवान ने गिरिराज जी की परिक्रमा पूरे ब्रजवासियों से कराई। ये जो 21 किलोमीटर में गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण वपु हैं। मतलब ये शिला यहाँ से कभी ले नहीं जाई जाती, ब्रज के बाहर कोई गिरिराज जी की शिला कभी भूल न करे ले जाने की, नहीं महत अपराध लगता है। और यहाँ जो परिक्रमा दी जाती है तो दाहिनी तरफ गिरिराज जी होते हैं, पूरी परिक्रमा जब हम परिक्रमा देंगे तो दाहिनी तरफ आराध्य देव गिरिराज जी होते हैं। तो इधर लघुशंका न करे, इधर थूके नहीं, इधर कुल्ला न करे, लघुशंका कुल्ला बाई तरफ करे, और पूरे गिरिराज जी में मौन परिक्रमा दे या नाम कीर्तन करे, बीच में कोई प्रपंच की बात न करे, कोई नशा न करे। जैसे अज्ञानी जन है, नहीं जानते हैं तो मसाला खा लिया या बीड़ी सिगरेट पी, ऐसा नहीं। परिक्रमा मतलब पूजा हो रही है, भले एक बार परिक्रमा दो लेकिन नंगे पैर परिक्रमा दो, क्योंकि पूजा में जूता पहन के थोड़ी जाते हैं। तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, नंगे पैर करें, दाहिनी तरफ कोई लघुशंका मलमूत्र का कुल्ला आदि का त्याग न करे, बाईं तरफ करे, और मौन व्रत धारण करते हुए नाम जप करे या नाम कीर्तन करते हुए, अगर चर्चा हो तो भगवत चर्चा हो, नहीं तो मौन, ऐसी पूरी परिक्रमा कर ले तो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। एक बार वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, ये साक्षात प्रभु विराजमान है। अलौकिक धाम श्री धाम वृंदावन चिदानंद धाम है। तो वृंदावन है, गिरिराज जी है, बरसाना है, 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा है, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए है। तो सावधानी पूर्वक परिक्रमा दी जाए, ये साक्षात भगवत स्वरूप है गिरिराज जी महाराज। जो भी कामना अगर की जाती है और गिरिराज जी की प्रदक्षिणा दी जाए भाव से, तो लाखों की कामनाएं पूर्ण कर दी गिरिराज जी ने, लाखों की करते रहेंगे, पर भावपूर्वक होना चाहिए, अपराध बीच में ना बने। तो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ कल्पतरु कामधेनु सुरतर स्वरूप श्री गिरिराज जी महाराज। जैसे कल्पतरु के नीचे चला जाए जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है, जैसे कामधेनु से जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है, ऐसे गिरिराज महाराज से प्राप्त हो जाता है। हमारे ब्रज के मुकुटमणि है गिरिराज महाराज जी। एक दो और संशय थे इसमें जी। जैसे रास्ते में कहीं गुरुजनों के या संत महापुरुषों के आश्रम या उनकी कुटिया, उनके दर्शन करते हो या उधर एक दो घंटा बैठ के जा सकते हैं, इसको भी हाँ, पर अगर दाहिनी तरफ कोई कुटिया या आश्रम है तो हम वहाँ लघुशंका नहीं करेंगे, हम सोच रहे हैं हाँ बैठ सकते, कीर्तन आदि एक जगह पे बैठ के हाँ हाँ वो तो कर सकते हैं जी। अगर कुछ बीच में रस्ते में जैसे परिक्रमा लंबी है कुछ पा सकते हैं हाँ, एक इधर बाईं तरफ बैठकर, बाईं तरफ बैठकर गिरिराज जी की इस साइड में बैठकर खाएं पिए कुल्ला करें लघुशंका करें, क्योंकि 21 किलोमीटर की यात्रा होती है ना, तो हाँ ऐसा कर सकते हैं जी। क्या पादुका आदि में भी परिक्रमा हो सकती है? नहीं, पादुका में पहन करके नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। पादुका पहन करके कहीं पूजा होती है क्या? पूजा गृह में हम पादुका पहन के थोड़ी जाएंगे। तो ऐसे इस समय जब परिक्रमा दी जाती है तो हम प्रदक्षिणा, ये भक्ति का अंग है, उस समय हम पादुका नहीं पहने। तभी हमने बीच में कहा भी, ध्यान से सुना होगा, कि चाहे एक परिक्रमा दे पर नंगे पैर दे, जो मतलब शास्त्रीय नियम है कि पादुका पहन करके कहीं परिक्रमा नहीं होती। जा सकते हो, मान लो गिरिराज जी गए हो तो पादुका पहने जा सकते हो, लेकिन जहां परिक्रमा उठाई तो पादुका हटा देनी चाहिए, नंगे पैर देना। मर्जी एक क्वेश्चन से, जैसे कुछ वृद्ध जन होते हैं 70-80 साल की उम्र हो गई है, चल नहीं पा रहे, क्या टमटम आदि से वो बैठ के नंगे, वो दर्शन करना माना जाएगा? पूरे गिरिराज जी का दर्शन हो रहा है टमटम में, रिक्शा में बैठकर, रिक्शा और टमटम में बैठकर के प्रदक्षिणा नहीं मानी जाएगी, वो दर्शन कर रहे हैं आप गिरिराज जी की तलहटी के आसपास। गिरिराज जी का बड़े भाग्यशाली है, वो भी अंदर से ऐसी भावना कर ली जाए कि महाराज जी हम परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना शारीरिक हाँ, तो फिर उसमें तो अगर यहाँ ना भी आवे तो भी परिक्रमा का फल मिल जाएगा। ये तो गिरिराज जी आने की बात है, मान लो 1000 कोस दूर है और वो गिरिराज जी का दर्शन कर चुका है एक बार, प्रदक्षिणा एक बार कर चुका है और वृद्ध है, तो 10 मिनट बैठकर एकांत
भाव में आया एकाग्रता पूर्वक प्रणाम करके प्रदक्षिणा शुरू कर दी मानसिक, तो उसको वही फल मिलेगा, ये भी बात है। पर इतनी एकाग्रता सिद्ध पुरुषों में होती है, अब मन तो एक सेकंड में कितना चंचल है, कहां से कहां पहुंच जाता है। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी एकाग्रता से अगर मानसिक दे दी जाए तो वो भी प्रगट परिक्रमा का ही फल प्रदान करेगा। पर बड़े भाग्यशाली जैसे अब शरीर वृद्ध है या शरीर में दब नहीं है चलने की, तो वो गाड़ी में बैठ करके, मतलब रिक्शा गाड़ी वो नहीं होती, हाँ टमटम आदि, तो वो दर्शन है। देखो इसमें खास बात, जब हम कष्ट सहकर श्रम पूर्वक परिक्रमा करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। जो तप है, जो कष्ट पूर्वक किया जा रहा है, वो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है। और पाप जब नष्ट होते हैं, हृदय निर्मल होता है, तो फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। हमें जो दुख मिलता है वो हमारे पाप कर्म है। इसीलिए कष्ट पूर्वक ये साधना की गई है। नंगे पैर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, नंगे पैर गिरिराज जी की परिक्रमा। अब जैसे 84 कोस की परिक्रमा अपने लोगों ने लगाई तो कोई पादुका थोड़ी पहनी है, सावधानी रखी गई। तो ये कष्ट पूर्वक तप है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब फिर सामर्थ्य नहीं है तो वैसे तो आजकल प्राय सामर्थ्यहीनता ही प्रकट हो रही, जूता मोजा कार और इसमें जो है ना, तो वो कोशिश करेंगे पैदल चलने की थोड़ी, वो तो कार से ही देख रेख। अगर ये हो कि कार से घूमने से फल मिल जाएगा तो जो कुछ परिक्रमा लग भी रही वो भी बंद कर देंगे। तो खास बात यह है कि जितना तुम शरीर को कष्ट देते हुए नंगे पैर परिक्रमा दे रहे हो उसका तो फिर अलग ही स्वाद मिलेगा, निश्चित निश्चित। बहुत कृपालु गिरिराज जी महाराज है, कोई केवल दर्शन कर रहा है, कोई गाड़ी से केवल दर्शन करके आया वो भी भाग्यशाली, पर परिक्रमा की तुलना नहीं हो सकती। जो नंगे पैर परिक्रमा गिरिराज जी की लगा रहे उनकी तुलना गाड़ी और रिक्शा इससे नहीं हो सकती, वो अहोभाग्य है। पर कोई नशा ना करें, प्राय हमने देखा है कि गलती कर देते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट हो तमाखू मसाला खाया, भाई इतना वो मेहनत कर रहे हो, त्रुटि भी कर रहे हो, ठीक नहीं है। अरे कम से कम 5 घंटे गिरिराज जी की परिक्रमा लगी तो 5 घंटे नाम जप करो, 5 घंटे तो कोई नशा मत करो, 5 घंटे तो कोई गंदी बात मत करो, कोई गंदा चिंतन ना करो, तो उसका लाभ मिलेगा। तो कष्ट पूर्वक जो गिरिराज जी या वृंदावन की परिक्रमा होती है विशेष लाभदायक होती है। महाराज जी एक कोई संशय ना रह जाए इसलिए पूछ रहे हैं। महाराज जी जैसे अभी हम कभी गिरिराज जी आदि जाते हैं क्योंकि कुछ संत जन आए एक एक दो दो परिक्रमा करते हैं उनके पैरों के नीचे, तो सॉक्स आदि डाल लेते हैं। हाँ, तो वो क्या है कि वो दो दो तीन तीन जो परिक्रमा करते हैं वो जूता नहीं पहनते, वो कपड़े की पट्टी बांधते हैं क्योंकि घाव हो जाते हैं, तो उस घाव की स्थिति में भी उनको अपने नियम पूरे करने हैं, तो वो कपड़े की पट्टी बांध ले या उनके कपड़े का ऐसा, तो उनका उद्देश्य जूता पहनना नहीं है, उनका उद्देश्य कि हमें गिरिराज जी की प्रदक्षिणा देनी है। पर अब पैरों में घाव हो गया, पहले अधिकतर हर जगह रज होती थी परिक्रमा में, अब प्रायः कंक्रीट वाली ये रोड है तो बहुत गर्म होने पर भी त्वचा कट जाती है, और वो दिन में 3-3 बार लगाते हैं, मान लो 24 घंटे में 3 बार, तो वहां घाव बन जाते हैं। अब उनको अपना नियम पूरा करना है तो मोटी कपड़े की पट्टी बांध ली या ऊन के ऐसे धारण कर लिए, वो उनके लिए है, उनका निषेधात्मक नहीं है। हम खास बात उनके लिए जो कभी कभी कर रहे हैं तो वो नंगे, वो कोई जूता नहीं पहनते। पर इसमें एक क्वेश्चन है, आपने बोला जूते नहीं डालने, तो क्या जैसे अभी सर्दी आती है जनसाधारण आदि सॉक्स डाल के डाल कर सकते हैं? नहीं, मोजा और जूता दोनों पादुका के अंतर्गत ही आते हैं। हम जब श्री जी के सामने निषेध किए हैं कि नहीं, तो आराधना के लिए मोजा नहीं। अब जैसे वही मोजा पहनकर लघु शंका की है आपने, वही मोजा पहन करके आप अन्यत्र भी, अब वही मोजा पहनकर ठाकुर जी के सामने मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई एकदम ऐसी परिस्थिति है तो नए मोजा जो लघु शंका सोच आदि में नहीं है और वो पहने हो तो बात अलग है। जैसे गुरुजन वयोवृद्ध बीमार शरीर तो वो धारण किए, पर नए मोजा, वो मोजा पहनकर वो बाथरूम नहीं जाएंगे। हाँ अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो ऐसा नए मोजा पहन करके फिर ऐसा कर सकते हैं। पर हमें लगता है कि अगर शरीर काम कर रहा हो, रोगी ना हो, तो कष्ट पूर्वक गिरिराज जी या वृंदावन की परिक्रमा लगानी चाहिए, जिसमें नंगे पैर हो तो और अच्छा है। जैसे बिहारी जी राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए है, तो हमें तो नहीं लगता कि कोई श्रद्धावान उनके सामने वही मोजा पहनकर जाएगा जो बाथरूम में, जो शौच आदि या जो अन्यत्र पहने जाते हैं, वहां तो नंगे पैर जाना चाहिए। डेहरी के बाहर उतार दो और फिर लौट कर आकर उनको पहन लो। दर्शन के लिए तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम अपने प्रिया प्रीतम के दर्शन करने जा रहे हैं, धाम के दर्शन करने जा रहे हैं,
और हम ऐसा सोचे, उचित तो यह है कि हम सर के बल चल नहीं पाएंगे, नहीं यहाँ सर के बल चले, हमारी प्रिया प्रीतम की राजधानी है, हमारे प्रभु का धाम है, जैसे हम अपने गुरुद्वारे में अपने गुरुजनों के यहाँ अत्यंत दयनीय होके जाते हैं, तो गुरु के परम गुरु भगवान भी विराजमान हैं, तो हम बड़े भाव से जाएं। पर बकाया जिनका शरीर ऐसा नहीं है, वो नवीन मोजे धारण कर लें, नवीन मोजे धारण कर ले जो बाथरूम और शौचालय में प्रयोग नहीं किए गए। जैसे आपने बोला ईस्ट के पास, तो महाराज जी ईस्ट और गुरु भेद नहीं है, तो जैसे गुरुजनों के पास आते हैं तो उनमें भी ये नियम? हाँ, जैसे अपने यहाँ एक नियम है कि छोटा बच्चा है, अब उसको नहीं ज्ञान है ना, उसके मोजे होने चाहिए। दूसरा बीमार और वृद्ध है, उसके नहीं उतराने हैं, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर है और इतनी देर में वो ठंड में युक्त हो जाएगा तो पीड़ा पहुंच जाएगी। लेकिन जवान है तो बिलकदाप पहन करके नहीं आना, आप नंगे पैर आइए और आप कष्ट सहिए, ये प्रणाली पवित्र होने के लिए। अब जैसे वृद्ध मूर्ति है, अब उसको आप कह दो कि मोजा उतार दो तो ठंडी लग सकती है, नीचे से उनको जुकाम हो सकता है, लेकिन जवान आदमी सह सकता है, जवान आदमी को तप करने का अवसर है, तो इसलिए हमने दो को छूट दी है, एक छोटा बच्चा और एक वयोवृद्ध रोगी शरीर, अन्यथा सब मोजा रहित होकर के ही श्री जी के दर्शन करें या गुरु जी के दर्शन करें या परिक्रमा लगाएं। अगर छोटी परिक्रमा करते हैं तो या बड़ी नहीं कर पाए हैं तो महाराज जी? परिक्रमा तो पूरी 21 किलोमीटर की है, आज चली जाओ छोटी करे आओ, एक दो दिन बाद फिर चली जाओ बड़ी करे आओ, परिक्रमा पूरी तभी मानी जाएगी जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा होगी, नहीं तो आधी हुई ना जी। छोटी कभी कर लें और बड़ी? हाँ, उसको हम दो तीन बार में कर सकते हैं कि आज यहाँ से यहाँ तक किया चले गए, मानो सामर्थ्य नहीं, फिर अगली बार यहाँ से यहाँ तक किया, फिर यहाँ से पूरा पूरा कर लिया, तो एक परिक्रमा पूरी ऐसी। जिनका शरीर पूरा साथ नहीं दे रहा वो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, तीन बार में कर सकते हैं, चार बार में कर सकते हैं, बड़े नियत स्थान है जिनमें पहचान लगा दी कि हमारी परिक्रमा यहाँ से यहाँ तक हुई, अगली बार आए यहाँ से यहाँ तक कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक कर लिया, तो ऐसे पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, कर सकते हैं। सुलेखा सिंह जी बनारस से।